नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 2 मई 2023, दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि आज हो गई है बैसाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आज की ताजा खबरों के सब्रेक में बात करेंगे देशभर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो यूरोप का सबसे बड़ा फ्यूल सप्लायर बना है भारत, हर दिन 3.5 लाख बैरल से अधिक रिफाइंड फ्यूल खरीद रहा है यूरोप। भारत मार्च महीने में यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड फ्यूल सप्लायर बन गया है। एनालिटिक्स फर्म केप्लर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप भारतीय क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स पर निर्भरता जो है यूरोप की बड़ी है। इधर भारत रिकॉर्ड मात्रा में रूस से यहां पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है। वहीं केप्लर के मुताबिक भारत से यूरोप हर दिन औसतन 3.60 लाख जो बैरल है, यानी 3.5 लाख से अधिक बैरल रिफाइंड फ्यूल और जो है वो खरीद रहा है। वह रिफाइंड फ्यूल उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कहा जाता है जिन्हें क्रूड ऑयल के मोनेटाइजेशन अमोनेटाइजेशन के बाद यहाँ पर तैयार किया जाता है। डीजल और पेट्रोल इसका उदाहरण है। वही केप्लर की रिपोर्ट में पता चलता है कि रूसी फ्यूल पर प्रतिबंध के बाद इंडियन क्रूड ऑयल पर यूरोप की जो निर्भरता है वो बड़ी है। वही भारत में रूसी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट अप्रैल महीने में हर दिन औसतन 2 मिलियन प्रति बैरल पहुंचने की उम्मीद है, जो कि देश का कुल तेल का आयात का लगभग 44% है। बात हम कहते हैं अगली खबर की। तो महीने के पहले दिन मिली है खुशखबरी, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ है सस्ता। महीने की शुरुआत से ही यहाँ पर आम आदमी को से राहत यहाँ पर मिली है। दरअसल एलपीजी गैस सिलेंडर जो है सस्ता हो गया। दरअसल तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को घटा दिया है। इसके साथ साथ ही जेट फ्यूल की कीमतों में भी कटौती की गई है। वही ऑल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 172 रुपए की कटौती की है। इसके अलावा जेट फ्यूल जो हवाई ईंधन है उसके दाम भी 2,415 रुपए इसको घटा दिया है। नई दरें जो है कल यानी 1 तारीख से लागू हो गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही दिल्ली में जो है ये सिलेंडर जो है 2,028 रुपए की जगह अब 1,856 रुपए में मिलेगा। वही कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में ये 1,960 रुपए पहले थे, अब यहाँ पर अभी 1,960 रुपए मिलेगा, पहले ये 2,132 रुपए थे। इसमें जो ये 172 रुपए की कटौती की गई है। इसके अलावा मुंबई और चेन्नई की बात करें तो मुंबई में पहले ये 1,980 रुपए में यहाँ पर इसकी कीमत थी एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की, अब 1,808 रुपए हो गई है। भाई चेन्नई में 2021 पहले थी, पहले यहाँ पर उसमें कीमत यहाँ पर कटौती की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को किया है ब्लॉक, जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजते थे सीक्रेट मैसेज। भारत सरकार ने 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को भारत में बैन कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोबाइल मैसेंजर ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी सीक्रेट मैसेज जो है वो भेजते थे। वह सरकार ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें यहाँ पर किपवाइजर और इग्नोरिमा और विक्रमे और मीडिया फायर बेहद और इसके अलावा बीचैट और इसके अलावा यहाँ पर IMO यानी जो ईमो कॉल्स थी उसको भी यहाँ पर इसमें बैन किया गया है। इसके अलावा सेकंड लाइन यंगी और थ्रेमा इसमें शामिल है। वही केंद्र सरकार की ओर से ये कार्रवाई जो है इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई है। वैसे सूत्रों के मुताबिक सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता और सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया है। सरकार के मुताबिक IT मंत्रालय को अलग अलग सोर्सेज से कई शिकायतें मिली थी। इसमें एंड्रॉइड और IOS प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स का डेटा चुराकर भारत से बाहर सर्वर को ट्रांसफर किया जाता था। तो इन ऐपों को बैन कर दिया गया है। इन ऐप में यहाँ पर बी चैट भी शामिल है, मीडिया फायर और इसके अलावा इमो, सेकंड लाइन, किंग और त्रेमा जो है पहले भी यहाँ पर इनके ऊपर एक्शन हुआ है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरह का कार्रवाई की है। इससे पहले सरकार ने कई चीनी ऐपों पर सुरक्षा के कारण बैन लगाया था। अब तक सरकार की ओर से 250 से ज्यादा चाइनीज ऐप को बैन किया जा चुका है। इन प्रतिबंध ऐप की लिस्ट में टिकटॉक, पबजी मोबाइल और UC ब्राउजर शामिल है। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी, अप्रैल में एक्टिविटी 4 महीनों के हाई पर पहुंची। देश में यानी भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में तेजी आई है, ये अप्रैल में ये 4 महीनों के उच्चतम पहुंच गई है। वह एक मंथली सर्वे में सोमवार को कहा गया था कि यहाँ पर कहा गया है कि बेहतर इंटरनेशनल सेल्स और सप्लाई चेन की स्थिति में रिकवर से जो ये सपोर्ट है वो मिला है। वही S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मैनेजिंग इंडेक्स यानी PMI जो है उसने मार्च में 56.4 से बढ़कर अब 57.2 हो गया है। इससे पता चलता है कि साल अब तक इस क्षेत्र में सबसे अधिक जो तेजी जो है वो तेजी से आपस में ग्रोथ हो रही है। वही PMI का आंकड़े बताते हैं कि लगातार 22वें महीने समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार हुआ है। PMI की भाषा में 50 से अधिक अंक का मतलब है कि गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, जबकि 50 से कम अंक जो है सिकुड़ने को दर्शाता है। अगली खबर की। तो फर्जी कॉल्स और SMS पर लगेगी लगाम, AI स्पैम फिल्टर स्थापित अब करेगा ट्राई। अगर आप फर्जी कॉल या फिर SMS से अगर परेशान हो गए तब आपको इससे हमेशा के लिए अब छुटकारा मिलने जा रहा है। दरअसल
कल से अपर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, उसने ग्राहकों से आने वाली फर्जी कॉल और प्रमोशनल कॉल और एसएमएस के लिए नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम का टारगेट फर्जी और स्पैम कॉल करने वाले यूजर्स, यहाँ पर स्पैम कॉल करने वाले से यूजर्स की सुरक्षा करना है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो 1 मई से लागू किए नए नियमों में ट्राई ने एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर को शामिल किया है, जिसके जरिए किसी भी यूजर्स के नंबर पर बैंकिंग या फिर अन्य मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से आने वाली फर्जी कॉल्स और मैसेजिंग पर लगाम जो है लग सकेगी। वही सर्विस के लागू होते ही यूजर्स को इन सभी फेक कॉल्स और मैसेज से छुटकारा भी मिल जाएगा। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस नए नियम को लेकर सूचित यहाँ पर कर दिया। इस नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम फिल्टर को टेलीकॉम कंपनियां जो है 1 मई यानी कल से कंपनियों की ओर से लागू यहाँ पर कर दिया गया है। वह ट्राई ने अनिवार्य रूप से कहा है कि सभी दूसरेदार कंपनियां अपनी कॉल SMS सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI स्पैम फिल्टर को शामिल करना चाहिए और ये जो नियम जो है कल से लागू हो चुका है। वही ये कदम उन ग्राहकों के लिए भी राहत के रूप में आएगा जो रोजाना अवांछित स्पैम कॉल और मैसेज उन लोगों को यहाँ पर मैसेज प्राप्त होते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि एयरटेल और रिलायंस जो जैसे दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फिल्टर है उस सर्विस का क्रियान्वयन करने की घोषणा इन्होंने कर दी है। एयरटेल पहले ही इस के बारे में आधिकारिक घोषणा एयरटेल की ओर से कर दी गई, जबकि जियो भी यहाँ पर इसकी सर्विस की जो घोषणा है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाता को खुली बड़ी खबर देखिए, PNB ग्राहकों को लगा है बड़ा झटका, अब ATM से पैसे नहीं निकले तो देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक में है यानी PNB में है तो ये खबर आपको झटका दे सकती है। दरअसल अगर आप बिना बैलेंस के ATM अगर चेक करते हैं या फिर आपके ATM से पैसे नहीं निकलते हैं तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इस बात की जानकारी खुद बैंक ने ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी है। इसके साथ ही बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए इस बारे में जानकारी दे रहा है। बता दें आपको कि नियम के मुताबिक आपको अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट से पेनल्टी चार्ज काट लेते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इस तरह की यहाँ पर घोषणा की है। पंजाब नेशनल बैंक फेल्ड ट्रांजेक्शन पर ₹10 प्लस GST चार्ज करेगा। यानी अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन है और आप ATM से पैसे चेक करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ₹10 प्लस GST का पेनल्टी चार्ज देना होगा। वही अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है लेकिन किसी टेक्निकल दिक्कत के कारण अगर आप वैसे से पैसे नहीं निकाल पा रहे, ट्रांजेक्शन फेल अगर हो गई है आपकी, तो पेनल्टी लगने पर आप इसकी शिकायत भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप बैंक में फेल ट्रांजेक्शन की शिकायत करते हैं तो शिकायत मिलने से 3 से 7 दिन के अंदर बैंक आपका पैसा वापस कर देगा। वही अगर 30 दिन में आपका पैसा वापस नहीं आता है तो बैंक आपको हर दिन के हिसाब से ₹100 का मुआवजा जो है बैंक देगा। इसके लिए आप शिकायत भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए टेक्निकल दिक्कत की वजह से अगर आपकी फेल होती है तो आपको यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फेल होती है तो आप बैंक शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए बैंक द्वारा जारी किए गए नंबर 1800180222 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 1800103222 पर आप जो कॉल जो है करके अपनी शिकायत जो दर्ज करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है, अब नहीं सताएगी दालों की महंगाई, सरकार ने अभी से ही कर ली है तैयारी। बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान के बाद भी इस साल आम लोगों को दाल की महंगाई से राहत मिल सकती है। दरअसल सरकार ने आने वाले दिनों में दालों की कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए अभी से तैयारी जो है पूरी कर ली है। यही कारण है कि दालों खासकर यहाँ पर अरहर की दाल की कीमतों में बीते कुछ दिनों से नरमी देखने को मिली है। उपभोक्ता मामलों के सचिव जो है रोहित कुमार सिंह, उन्होंने इसे लेकर व्यापारियों को फिर से सचेत किया है। उन्होंने साफ कहा कि व्यापारियों को हर वैसी गतिविधियों को दूर रहना है जिससे बाजार में दाल की जो कमी हो, वही कमी की आशंकाओं को बल इसमें मिले। उन्होंने कहा है कि अगर बाजार और व्यापारियों को सही व्यवहार से यहाँ पर नहीं किया तो सरकार उसमें मजबूती से यहाँ पर दखल देगी। वही उपभोक्ता मामलों के सचिव ने यह चेतावनी इस कारण भी उनकी अहम हो जाती है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर के दौरान बेमौसम बारिश होने से दालों को, खासकर अरहर की दाल की नुकसान यहाँ पर हुआ था। इसी कारण बाजार में अरहर जैसी दाल की आपूर्ति कम है। यह बयान इस कारण भी जरूरी है क्योंकि कुछ व्यापारियों द्वारा अरहर यानी तुअर दाल की जो जमाखोरी है उसका प्रयास करने की खबरें यहाँ पर सामने आ रही थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है ट्विटर को लेकर। ट्विटर पर आर्टिकल पढ़ने के लिए भी आपको देने होंगे पैसे, एलन मस्क ने किया है बड़ा ऐलान। अगर आप भी ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ट्विटर पर न्यूज पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। दरअसल जो ट्विटर के जो नए CEO है एलन मस्क, उन्होंने इस तरह की घोषणा की है। दरअसल बात यह है कि एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शनिवार को बड़े बदलाव का ऐलान किया है। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि अब मीडिया पब्लिश को अगले महीने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल पढ़ने के लिए यूजर्स से चार्ज लेने की अनुमति मिलेगी।
वह इस फीचर को रोल आउट होने के बाद वो यूजर्स भी आर्टिकल जो मतलब न्यूज वगैरह है आर्टिकल्स जो है वो पढ़ सकेंगे जिनके पास मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है और कभी कभार आर्टिकल पढ़ने चाहते हैं। ऐसे यूजर्स को प्रति आर्टिकल के हिसाब से चार्ज देना होगा। एलन मस्क ने कहा है कि ये मीडिया और बिजनेस पब्लिक दोनों के लिए एक बड़ी जीत होनी चाहिए। वह ट्विटर ने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए बताया है कि दुनिया भर के क्रिएटर्स अब साइन अप कर सकते हैं और ट्विटर पर कमाई कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करने के लिए सेटिंग में मोनेटाइजेशन टैब पर क्लिक करें। हालांकि इसके जरिए क्रिएटर्स पैसे कमा पाएंगे जिनके अकाउंट में कम से कम 500 फॉलोवर हो। वही अकाउंट वेरीफाइड होने के साथ ही पिछले 3 दिन मतलब जो अकाउंट जो है वो जो एक्टिव यहाँ पर होना चाहिए। वही ट्विटर पर कमेंट करते हुए एलन मस्क ने कहा है कि दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करें, कई लोगों की इनकम का एक प्रमुख सोर्स है, इसे वे आपके ज्यादा यहाँ पर समय देकर बढ़िया कंटेंट यहाँ पर बना सके। एलन मस्क ने 14 अप्रैल को ट्वीट करते हुए कहा कि अपने फॉलोअर्स को लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट से लेकर घंटों लंबे वीडियो तक किसी भी मटेरियल का सब्सक्रिप्शन ऑफर करने के लिए अप्लाई करें। सेटिंग में मोनेटाइजेशन जो मोनेटाइजेशन टैब है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और फिर वहां पर जाकर अपना जो मतलब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई जो है आपको जो ट्विटर है उसके अंदर करना होगा, जिससे आपका जो मोनेटाइजेशन जो है वो एनेबल हो जाएगा।